हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ये साड़ी का रीयूज़ करके बहुत ही प्यारा 5 से 6 ईयर गर्ल के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पार्ट है वो अलग करना है और प्लेन पार्ट अलग करना है। तो मैं यहाँ पे इसे अलग कर लूँगी दोस्तों। अलग करने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो नीचे वर्क किया हुआ पार्ट है वो भी हम अलग करेंगे और 27 इंचेस पे हमें मार्क करना है। देखिए, मैंने अपनी बेटी की जो लंबाई थी उससे 4 इंचेस कम कट किया है, क्योंकि ऊपर की ओर इलास्टिक भी आएगी तो हम वो इसमें अटैच करेंगे इसीलिए। और देखिए यहाँ पे ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना, वो जो हम कट कर रहे हैं वो 2 मीटर कपड़ा है, तो आपको जितना घेरा बढ़ाना है उतने हिसाब से आप ज़्यादा ले सकते हैं। और ये बॉर्डर भी मैंने कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से प्लेट लेनी है, तो ऐसे हमें प्लेट लेते जाना है और ऊपर स्टिच करते जाना है 1 बाय 1। और दोस्तों इस तरीके से प्लेट लेते जाए और कितनी रखनी है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि आपकी बेबी की जो भी कमर है उसे 2-3 इंचेस ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे मेरी बेटी की कमर से मैंने 2-3 इंचेस ज़्यादा लिया। अब हम अस्तर लेंगे, तो इसकी लंबाई 24 इंचेस रखेंगे और 2 मीटर ही हमने अस्तर का कपड़ा लिया है। उसमें हम उसी तरीके से बॉक्स प्लेट करेंगे और फिर दोनों पार्ट को ऐसे जोड़ के स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और साइड में भी सिलाई करके जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हमें ऐसा बॉर्डर लेना है जो उसी के नाप से हमें लेना है। देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ से मैं फोल्ड करूँगी और मार्जिन का थोड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी और कट कर लूँगी। अब ये जो बॉर्डर है ना दोस्तों, उसी के नाप से हमें अस्तर कट करना है। तो ये 2 इंचेस का बॉर्डर है और 2 इंचेस का हम अस्तर कट करेंगे। तो ये कट हो गया। अब इसे हमें जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। प्रेस स्टिच करने के बाद हम इलास्टिक को कट करेंगे और इलास्टिक हमें 20 इंचेस की लेनी है और इलास्टिक को भी हम जोड़ लेंगे, ऐसे राउंड बना देंगे। अब ये जो बॉर्डर है उसे भी हमें जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद हमें इलास्टिक को इस तरीके से रखना है और ऊपर हमें स्टिच कर लेना है और इलास्टिक को खींचते हुए स्टिच करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने खींचते हुए इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अब हम सेंटर में यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखिए ये यहाँ पे, इससे क्या होगा कि इलास्टिक हमारी फोल्ड नहीं होगी, अच्छे से रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमें लहंगे को लेना है और अंदर की ओर ऐसे रखना है और फिर पूरे राउंड में हमें स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा लहंगा हो गया रेडी। देखिए बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल हो गया है। अब देखिए जो नीचे की साइड से हमने अलग किया था उससे लेना है और इस तरीके से प्लेटें लेते जाना है। तो ये मैंने ले ली है और इसका मैं आपको नाप बता देती हूँ। 22 इंचेस है। अब हम इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर की ओर से ऐसे फोल्ड करना है। देखिए ऐसे, और उसके ऊपर हमें लेस को लगाते जाना है। ये जो मोती वाली लेस है वो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ऊपर का और नीचे का रेडी हो गया है और कोई भी ब्लाउज के ऊपर इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।